पहुंचा शहीद गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव में ही पूरे सम्मान के साथ शहीद को दी गई अंतिम विदाई। डोकलाम में तैनाती के दौरान शहीद हुए थे गजेंद्र सिंह। चांदपुर में पेट्रोल पंप स्वामी के साथ लूट, बाइक सवार बदमाशों ने तमंची की नोक पर लूटी 2,20,000 रुपए की नकदी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजनौर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों ने गन्ना समिति पर दिया धरना, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। जलीलपुर क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष साचिन चौधरी और ब्लॉक प्रमुख पुत्र रवि धारीवाल ने किया नव निर्मित खड़ंजा सड़कों का उद्घाटन। हेमपुर दीपा पुलिस ने धामपुर निवासी 5,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा बनवाने और लाखों की ठगी के मामले वंचित चल रहा था अभियुक्त मुनाजिर। हल्दौर के खासपुरा इलाके में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मुरादाबाद शादी में गया था मुजफ्फरनगर निवासी युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने RTI अवहेलना में अधिकारियों पर लगाया जुर्माना। सूचना आयुक्त ने जिला पंचायत राज अधिकारी, वस्त्र निरीक्षक, वन बंदोबस्त लिपिक और चांदपुर आदिशासी अभियंता पर लगाया 25,000 का जुर्माना। 15 अगस्त तक कुपोषण मुक्त होंगे गोद लिए दलित गांव। जिलाधिकारी अटल कुमार राय ने अधिकारियों की बैठक पर मानक आरोप लक्ष्य को प्राप्त करने के दिए निर्देश।